भोजपुरी ये तो ये भोजपुरी यानी भोजपुर थोड़ा घूम आते हैं। एक गीत बजा, कौन सा बड़ा चर्चित रहा था गीत, सुनेगा शायद इस गीत को मनोज तिवारी जी ने गाया है। आज आपके बीच में रिंकी तिवारी आ रहे हैं, क्या बात है, सुनिए। धन्यवाद है। एक गीत आया कैसे संजय भैया, अब आप दोनों तो हम सकल हैं, हम क्या कहें, भाभी आती तो शायद हमसे मिल जाती सकल। गीत आया कैसे, अरे तू लगा लू जब लिपस्टिक कलाकार के लिए आया है। आप लोग देख रहे हैं परवाना जी की तरफ जो ढोलक पर संगत कर रहे हैं हमारे भैया श्री समरजीत जी, समरजीत जी की ओर से हमारे साथ जो ढोलक पर संगत कर रहे हैं श्री नारायण जी के लिए नारायण 101 रुपए आए हैं। अब आप लोग हम उम्र हैं एक दूसरे को आशीर्वाद का आदान प्रदान कर लें, छोटा हो तो ले लें। बहुत बहुत धन्यवाद है, उधार है बेटा, सुबह से छेक देंगे। हाँ बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, उनकी सुनत है। टाइम आप कह रहे हैं बताइए, बड़ी समस्या है। आइए ये काका देव कानपुर से बधाई हमारे दादा श्री रमेश सिंह भैया आपकी ओर से, और ये आशीर्वाद अजय सिंह चंदेल भैया आपकी ओर से 500 रुपए आए हैं, धन्यवाद है। ये सब सवेरे गूगल पे में आ जाएंगे। आइए अब देखिए, ये तो दर्ज है जिससे कोई लेना देना नहीं है, मर्ज को सुनिएगा, सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं एक नारी थी तिलोत्तमा, दो भाई सुंद उपसुंद, नजर पड़ी जब उस पर तो हो गई बुद्धि। समझो भैया, अब देखिए उस सुंदर सी नारी को देखा, दोनों भाइयों की बुद्धि कुंद हो गई, दोनों कहने लगे मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। नारी सोचने लगी एक अनार दो बीमार, एक अनार और दो बीमार, किया कहा जाए। तिलोत्तमा ने दिमाग लगाया, कहा कि ऐसा करो आपस में युद्ध करो, जो जीतेगा मैं उसी से शादी करूंगी। अब देखिए युद्ध होने लगा, हुआ क्या सुनेगा, सुनिए। अरे दोनों ने जब ये देखा किसने सुंदर उपसुंद ने देखा, देखिए मैं निवेदन करूंगी उस तिलोत्तमा को मैंने फिल्म इंडस्ट्री की जो हीरोइन है रेखा की पदवी दे दी है, क्योंकि उस समय ना तो मैं थी ना हमारे रचनाकार थे जिन्होंने इस कड़वीस को लिखा है, वो नहीं थे, तो एक उपमा दे दी कि वो शायद तिलोत्तमा रेखा जैसी दिखती है। तो सुनिएगा, कहना पड़ा मुझे, सुनिए। अरे दोनों ने जब ये देखा लगे ऐसी जैसी रेखा टिप टाप लगे
मेरा तुम मरी गए युद्ध करने में आपस में तुम मरी गए तुम मरी गए तुम मरी गए लड़के फटाफट पर इस टाप लागे तो लड़के मर गए बोलिए सब कि लोहा कितना भी पुराना हो उसको पीटने पर ही चमक आती है। हमारे बीच अभी अपनी सक्षम कलाकारों के साथ बहन रिंकी जी अपना मुकाबला किया, लड़े लेकिन दोनों मर गए फुल स्टॉप लगा। कहना है रिंकी जी कि क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, दादा क्यों मरते हो, क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, अरे दुपट्टा न देगी कफन के लिए, अरे मरो इस वतन पे, अरे तिरंगा मिलेगा कफन के लिए, तिरंगा मिलेगा कफन के लिए। अब हमारे सक्षम कलाकारों के साथ आ रहे हैं पुनः अपने नए उमंग और नए जोश के साथ परवाना जी, डरना नहीं कि शाम सूरज को ढलना सिखाता है, शाम परवाना जी शाम सूरज को ढलना सिखाता है, समा परवाने को जलना सिखाता है, अरे गिरने वालों को तो होती है तकलीफ परवाना जी, लेकिन ठोकर इंसान को चलना सिखाता है, ठोकर इंसान को चलना सिखाता है। अब हमारे बीच लेकिन आज लग रहा है कि फतेहपुर कोतवाली दादा चुंगी जवाबी की कार्यक्रम की पुनरावृत्ति हो रही है। माना जाना फतेहपुर कोतवाली, फतेहपुर कोतवाली में दादा चुंगी की जो जवाबी होती थी, आज ऐसा प्रतीत हो रहा है दोनों की पुनरावृत्ति हो गई है। अब हमारे बीच सक्षम कलाकारों के साथ आ रहे हैं भैया पप्पू परवाना जी, स्वागत है, स्वागत जी। बहुत बढ़िया, अभी आपने बड़े उत्साह के साथ में, बड़े ही जोश के साथ में रिंकी जी को सुना। रिंकी जी, कभी कभी व्यक्ति को घमंड खा जाता है, खा जाता है। आपने कहा हम इतना पढ़े हैं कि आपको पढ़ा देंगे, कब से आ जाए ट्यूशन, हाँ लेकिन फीस नहीं देंगे हमें, मालूम है पढ़ाते पढ़ाते आपकी इतनी उम्र हो गई, लेकिन हमको बख्शो, हम जहाँ पढ़ रहे हैं वहीं हमको पढ़ने दो, ओके अब तुम हमको पढ़ाना। बहुत बहुत लोगों को आपने पढ़ाया है, आपकी उम्र जितनी हुई उससे ज्यादा आप लोग ने, आपने लोगों को पढ़ाया है, लेकिन हमको बख्शो, पंकज भैया हमको जो पढ़ा रहा है उसी से हमको पढ़ने दो, हम लोग इंग्लिश मीडियम वाले कह रही है कीर्तन को कीर्तन रहने दो, और बड़े जोश के साथ में कहा कात्यायनी नहीं कात्यायनी है। अरे रिंकी जी मैं भी तो वही कह रहा था, कात्यायनी है, मैं भी धनुष नहीं कह रहा था, मैं भी कह रहा हूँ, पहले भी कह रहा था धनुष है, धनुष है, समय को बचाइए, व्यर्थ में समय मत बिताइए, मैं वही कह रहा था जो आप कह रही हैं, चैनल चल रहा है और कीर्तन को आप जैसी कीर्तन काराएं खराब कर रही हैं। बिल्कुल, अरे आप ये बात ना करती तो मैं बात ही ना करता, और क्या आप बात बढ़ा रही है तो बात बढ़ रही है, आदरणीय आप क्यों बात बढ़ा रही है, मैंने जब कह दिया कि आप कात्यायनी आपने सुन लिया ठीक है, मैं कात्यायनी ही कह रहा था, मैं कात्यायनी ही कह रहा था, मैं धनुष नहीं कह रहा, मैं धनुष ही कह रहा था, और क्या, लेकिन आप पुनः उसकी पुनरावृत्ति कर रही हैं, इसका मतलब कि आपको अपने अपने आप पर बहुत बड़ा घमंड है, आपको अपने आप पर बहुत बड़ा घमंड है रिंकी जी, और घमंड तो रावण का भी नहीं चला है, और क्या, इस बात को विशेष ध्यान रखिए, समझिए रावण हमारा बहुत अच्छा दोस्त था। आपने कहा एक दिन की प्रोग्रेस प्रोग्रेस नहीं होती है, रिंकी जी कितनी प्रोग्रेस है आपकी, कितनी प्रोग्रेस कर रही हैं आप,
प्रोग्रेस कराई किसने? खड़े होकर के बताइएगा कितनी प्रोग्रेस कर रही हैं। और आपने कहा कि आपके वो संस्कार नहीं दिखते हैं, इतनी रिंकी तिवारी आपने बना दी। रिंकी जी संस्कार दिखते हैं, दिखते हैं। जहाँ आपके भाव जा रहे हैं वहाँ मेरे भाव नहीं है। ना धन्यवाद। हजारों गाने लिखे हुए तुम्हारी जैसी रिंकी तिवारी गा रही है, मेरे भाव सिर्फ ये है। ये खड़े होकर के कीर्तन का मंच है, कहिएगा कि नहीं हमारी जैसी रिंकी तिवारी आपके गाने नहीं गा रही है। और आप कह रहे तीन तीन राइटर, रिंकी जी तुम्हें कसम है, आप अपने राइटर को उतारिए, मैं अपने राइटर को उतारता हूँ। और हवा महल कार्यक्रम एक चक्कर कर लीजिए, मैं चैलेंज करता हूँ आज के बाद में गाना बजाना बंद कर दूंगा। ये क्या बात है, कहाँ घूम रही है? गुस्सा जाओ गुरु, गुस्सा जाओ, देखा जाएगा। गुस्साने कोई बात नहीं है, बात उतनी अच्छी लगती है मंच के द्वारा जितनी जायज है। बिल्कुल बिल्कुल, कीर्तन हम लोग खराब नहीं कर रहे हैं, कीर्तन आप जैसी कलाकाराएं खराब कर रही हैं। और यही कारण है कितनी आप प्रोग्रेस कर रही हैं, आप खुद जानती हैं, दुनिया जानती है। और क्या, काका देव जानते हैं। नागिनों ने देवियों का रूप धारण कर लिया, समझते रही ना भैया, बाद में न कहना। क्या बात है, मैं आपको हृदय से नमन करता हूँ। आदरणीय सम्मानी दिलीप कुमार शर्मा, मेरी साहित्यिक बातों को आपने कहा, आपकी साहित्यिक बातों को सुन करके मैं आपको ये प्रोत्साहन दे रहा हूँ। मैं आपको हृदय से नमन करता हूँ, आप जैसे विद्वान यहाँ पर सुन रहे हैं, बार बार नमन करता हूँ। वास्तव में आप जैसे जब लोग होते हैं तो रिंकी जी ने कहा कि एक दिन की प्रोग्रेस, लेकिन आप लोग एक दिन की प्रोग्रेस को और जीवन भर के लिए सार्थक कर देते हैं। आपको नमन करता हूँ, आप जैसे विद्वानों को बार बार नमन करता हूँ, आप जैसे विद्वान। हम नाचीज कलाकारों को सुन रहे हैं, रिंकी जी तो महान कीर्तनकारा है, देश विदेश में इनका नाम है, हमारा कोई नाम नहीं है, लेकिन हो सकता है कृपा हो जाए तो हमारा भी नाम हो जाए। नागिनों ने देवियों का रूप धारण कर लिया, देवता मंदिर से निकले और पुजारी हो गए। नागिनों ने देवियों का रूप धारण कर लिया, देवता मंदिर से निकले और पुजारी हो गए। देखते थे जो तमाशा हंसने और रोने का, देखते ही देखते वो मदारी हो गए। अपना अपना विवेक होता है, नहीं काबिल हर एक होता है। वास्तव में राजा वही होता है जिसका राज्याभिषेक होता है, जो आए वही इंसान नेक होता है। रहते हैं लाखों ग्वाल बाल गोकुल में, लेकिन मेरा किशन लाखों में एक होता है। बात है, वाह। रिंकी जी समय के बंधन में है, बहुत अच्छे। ज्यादा मैं आपसे बात नहीं करूंगा, बिल्कुल आपने बहुत सारी बातें कह दी। रिंकी तिवारी, आपने कहा रिंकी तिवारी अच्छों अच्छों की बीमारी दूर कर देती है। हम लोग बीमार होते नहीं कभी। रिंकी जी आप बीमारी उन्हीं लोगों की दूर करिए, हम लोगों को रहने दीजिए, हमारे पास में डॉक्टर है नत्थूपाल, हम उन्हीं से अपनी बीमारी दूर करवाएंगे। चाचा आप लेते रहे ना, आप जिनकी बीमारी दूर कर रही हैं उन्हीं की दूर करते रहिए। और आपके साथ में जो आपके मंडल वाले हैं उनकी बीमारी, उनको बीमारी बहुत ज्यादा लगी हुई है, उनकी बीमारी पहले दूर करिए, बाद में हमारी आप बीमारी दूर करिए। आपने कहा पहले की बात गई, पहले मेहंदी हरी होती थी, आज तो मेहंदी लाल होती है। पहले मेहंदी हरी होती थी, आज मेहंदी लाल होती है, आज मेहंदी काली भी होती है। और क्या रिंकी जी, यदि आपने मेहंदी लगाई हो, हमारे घर में एक मेहंदी का पेड़ था, यदि आपने कभी लगाई हो तो उस मेहंदी में और इस मेहंदी में फर्क देखिएगा। ये और क्या, आदरणीय हमारी देवी स्वरूप माता है, मैंने बैठी हुई है, फर्क है या नहीं है? फर्क, तब की मेहंदी में आज की मेहंदी फर्क है, फर्क है। आप सिलबट्टे में वो हरी मेहंदी पीस करके अब लगाएंगी तो उसका कलर अलग होगा और क्या, और वो टिकाऊ होगा, ओरिजिनल। लेकिन आज की मेहंदी टिकाऊ नहीं है, दो दिन बाद उधेड़ने लगेगी। बस बात मेरी मेन ये थी, हथेली सजी
हरी मेहंदी हरी हथेली और हथेली लाल हो गई। बात ये मेहंदी तो हरी है लेकिन हथेली लाल हो गई। लाल चलिए खैर कोई बात नहीं, आप नाराज ना हो। और निवेदन और कर रहा हूँ मैं, कीर्तन को मैं आपसे कह रहा हूँ कीर्तन रहने दीजिए, अगले चक्र से आप यदि बोलेंगी तो आपसे ज्यादा मैं बोलना जानता हूँ। और क्या यहाँ कमी नहीं बोलने की। और आप पढ़िए, अपने मंडल को पढ़ाइए और अपने मंडल की बीमारी दूर करिए, हम लोगों को बचाइए, हम लोग बचे रहने दीजिए। और क्या, हम लोग बचे, हम लोग पहले सम्मान करते हैं। गीत आपने बहुत अच्छा सुंदर सा गीत दिया है, सुनिएगा। अरे तू लगावे दिल जब लपेटे, नमन करता हूँ अपने उद्घोषक महोदय को, बहुत ही सुंदर बातों के साथ आप उद्घोषणा कर रहे हैं, मंच का संचालन कर रहे हैं, मैं आपको हृदय से नमन करता हूँ। वास्तव में आप धन्य हैं, आपको देख करके हम जैसे कलाकार धन्य हो गए। धन्यवाद है, आप हमसे छोटे हैं, मेरी ओर से ढेर सारा आशीर्वाद है। इस उम्र में आप कैसी कैसी पंक्तियां ला रहे हैं, मेरा हृदय गदगद हो रहा है, हृदय से नमन करता हूँ। और देखिए पुनः पुनः आदरणीय हमारे शर्मा जी खीरों से जो पधारे हैं, हमारे अभिषेक बाबू जाएंगे नहीं आप, अब सुनिए गाना। ले बेटा क्या बात है, ये स्टाइलिश लड़का है जी, बिल्कुल बिल्कुल आप भी। क्या बात है प्रकाश भैया, तुम भी टोपी लगा लेना, आपको जाने नहीं देंगे। ये 51 रुपए हमारे लिए और 10-10 रुपए हमारे सभी कलाकारों के लिए, हमारे आदरणीय शर्मा जी की ओर से जो खीरों से पधारे हैं, हृदय से आपको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आदरणीय सम्मानी श्री दिलीप कुमार शर्मा जी, आपको मैं हृदय से नमन करता हूँ। आप जैसे विद्वान बैठे हैं और जब तक आप बैठे हैं तब तक हम भी यही हैं। Okay. और आप यदि चले गए तो हो सकता है हमें गाना बजाने में अच्छा न लगे। बिल्कुल आप धन्यवाद है, सुनिएगा। तू लगावे ले जब लपेटे, ले ला आला दिल की जिलटाप लागे, जिलटाप लागे कमरिया, कमरिया होए तो लचके, जब कमरा है तो कहाँ लचकी। कभी हुआ करती थी कमरिया 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 मेला वाला पहले देवताओं को अमृत पिलाया जाता था, आज देवियों को मदिरा पिलाई जाती है। जिस आंगन में रावण जलाया जाता था आज उस आंगन में सीता जलाई जाती है। सहयोग करें कलाकार को, दादा दिलीप भैया कलाकार को जीवन में दो ही चीजें मिलती हैं, यदि थोड़ा सा कार्यक्रम अच्छा हो गया तो आप लोगों की तालियां, और थोड़ा सा यदि कलाकार डगमगा गया तो आप लोगों की फुल स्टाफ। कमरिया 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 आपने सुंदर सी कहानी बताई है, सुंदर और असुंदर। एक नारी थी तुलोत्मा, ठीक है आइए। और यदि ऐसा कोई प्रसंग ना मिले तो हम क्या करें, क्या करें? लेकिन सुनिए एक प्रसंग मिलता है, विश्वमोहिनी का मिलता है। कैसे? अरे प्रेम का उमड़ा समंदर, समंदर
समंदर शिव जैसे लगे धर्मेंद्र। आपने रेखा की बात की है ना, आपने यदि फिल्म इंडस्ट्री से एक महिला कलाकार को लिया है तो मैं पुरुष को ले रहा हूँ। अरे प्रेम का उमड़ा समंदर शिव जैसे लगे धर्मेंद्र मिलके दोनों दोनों हरि और हर तुम मिल गए तो मिल गए तुम मिल गए दोनों फटाफट मन Thank you.